बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पार्ट 57 ऑफ आवर ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट इन विच वी आर डिस्कसिंग हाउ टू क्रिएट ए मेन वेबसाइट। एडमिन हमने बना लिया है ऑलरेडी, तो हम अभी मेन साइट पे एडमिन वाली चीज़ें जो है वो रिफ्लेक्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कैटेगरीज जो है, अगर मैं एडमिन को ओपन कर लेता हूँ लोकल होस्ट, तो यहाँ पे लेटेस्ट मैं अगर एडमिन को ओपन करूंगा, BPUC, तो मेरा जो एडमिन है यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले मैनेज कैटेगरीज पे अगर जाऊंगा, ठीक है, ओके, तो ये जो सारी कैटेगरीज है यहाँ पे, किड्स, होम, फुटवेयर, स्टेशनरी, एक्सेसरीज, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करे। यहाँ पे कैटेगरी के बदले किड्स, फिर होम, जो भी है किड्स, होम, एक्सेसरीज, उसके बाद है फुटवेयर, उसके बाद स्टेशनरी और एक्सेसरीज, यानी कि फुटवेयर, स्टेशनरी और एक्सेसरीज, यहाँ पे सब यहाँ पे आ जाए जो भी मेरे डेटाबेस में सेव है, जो भी मेरे एडमिन में सेव है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है डेटाबेस में मेरी सेव है, तो मैं इन्हीं चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ आगे वाले पेज पे। तो फॉर दिस आई हैव टू डू वन थिंग, मुझे HTML essentials जो है मेरा, मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं एक कंट्रोलर बनाऊंगा, न्यू, मैं एक कंट्रोलर नाम की फाइल बनाऊंगा, सॉरी, कंट्रोलर में एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा साइट कंट्रोलर। मैं एडमिन की जो कंट्रोलर फाइल है उसी को पहले ओपन करता हूँ। ये मेरा ई कॉम प्रोजेक्ट है, इसमें एडमिन है, इसमें कंट्रोलर है, कंट्रोलर में कोई भी, सपोज प्रोडक्ट कंट्रोलर में खोलूंगा तो इसकी कुछ चीज़ें कॉमन होती है जो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। तो ये चीज़ जो है ये मेरी कॉमन है, वहाँ पे भी मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। बट अभी मैंने यहाँ पे PHP को क्लोज नहीं किया, एक तो PHP को क्लोज करना है, और भी एक चीज़ है, ये ब्रेस को क्लोज करना है मुझे यहाँ पे, ये वाली ब्रेस है, ठीक है, ये ऊपर वाली ब्रेस है, ये ब्रेस है, तो इसको क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर के बदले मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइट कंट्रोलर, जो भी मैं नाम रखना चाहता हूँ इसका, मैं रखूँगा साइट कंट्रोलर। यहाँ पे वैलिडेट की ज़रूरत नहीं है मुझे, मुझे यहाँ पे खाली एक ही वेरिएबल चाहिए, और ये भी मुझे ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे इतना ही चाहिए। ये सिर्फ मेरा, इससे मेरा डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि डेटाबेस कैसे भी कनेक्ट हो गया, उसके लिए तो डेटाबेस वाली जो फाइल है परसिस्टेंस में वो इंक्लूड होनी चाहिए, जो ये वाली फाइल है मेरी। अगर मैं परसिस्टेंस में जाता हूँ, यहाँ पे ये वाली फाइल जो है ये इंक्लूड, ये मैंने ऑलरेडी कॉन्फिग में इंक्लूड की हुई है। अगर आप देख सकते हैं तो कॉन्फिग में मेरा ये db connection.tpl जो है ये मैंने इंक्लूड कर दिया है ऑलरेडी। अगर आप देखेंगे इसका नाम, तो इसका नाम जो है परसिस्टेंस में यही है, db connection, ये मैंने इंक्लूड कर दिया कॉन्फिग में। दैट मींस मुझे कॉन्फिग और इस वाले पेज का, जो मेरा ये साइट कंट्रोलर वाला पेज है, मुझे इसको रिलेट करना पड़ेगा। मैं कैसे इसको रिलेट करूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, पहले सेव मैं करता हूँ इसको कंट्रोलर में, यहाँ पर रखता हूँ इसका नाम, फिर से देख लीजिए, मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ पर सेव करूँगा, क्योंकि ये कंट्रोलर फाइल है, यही कंट्रोल करेगा सारा, डेटाबेस से जो भी वैल्यू लाएगा यही फाइल लाएगा। तो यहाँ पे मैं रखूंगा इसका नाम साइट कंट्रोलर, साइट कंट्रोलर.tpl, तो इसका नाम है साइट कंट्रोलर.tpl। अब ये मसला है कि इसको मुझे डेटाबेस के साथ, इसको मुझे कॉन्फिग के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो मैं कॉन्फिग में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ही इसको करूंगा इंक्लूड, मैं यहाँ पे लिखूंगा इंक्लूड या रिक्वायर, ये मैंने कंट्रोलर में रखी, ओके, टीपीएल, ओके, मैंने इसको यहां पे इंक्लूड कर दिया। अब मैं सेव करता हूं इसको, अब क्या हो गया, ये एक ही फाइल बन गई, कॉन्फिग में ही साइट कंट्रोलर अब इंक्लूड हो गया।
साइट कंट्रोलर तो मैंने इंक्लूड कर दिया है, अब मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है इस साइट कंट्रोलर का, ऑब्जेक्ट और फिर उसी ऑब्जेक्ट की वजह से इनको एक्सेस करना है। पहले मैं साइट कंट्रोलर में फंक्शनलिटीज बनाऊंगा, मुझे क्या क्या फंक्शनलिटीज चाहिए। सबसे पहली फंक्शनलिटी मुझे चाहिए प्राइवेट फंक्शन। फंक्शनलिटी किसके लिए मुझे चाहिए, मुझे जो यहाँ पे लाना है उसके लिए। सपोज पहला फंक्शन जो है जो कैटेगरीज को लाएगा, दूसरा फंक्शन होगा जो सब कैटेगरीज को लाएगा, ठीक है। ऐसी ही फंक्शनलिटी मैं एक काम करूंगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे पब्लिक फंक्शन, जिसको मैं बाहर से कॉल करूंगा गेट नेविगेशन। गेट नेविगेशन और यहाँ पे अंदर इसके कोड जो लिखना होगा वो मैं लिखूंगा, उसके बाद प्राइवेट फंक्शन गेट सब नेविगेशन। ये एक पैरामीटर मांगेगा क्योंकि इसको सब नेविगेशन किसकी लानी है, तो उसके लिए मैं आईडी पास करूंगा इसको। इस जो पर्टिकुलर नेविगेशन होगी, सपोज बॉयज होगी, ये सपोज किड्स होगा, तो मुझे किड्स की आईडी यहाँ पे पास करनी है, तो किड्स की फर्दर नेविगेशन, फिर फर्दर बॉयज किड्स गर्ल्स किड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी पास हो जाएगी एज पैरामीटर, कुछ भी ले सकते हैं, मैंने डॉलर आईडी ले लिया। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे इस नेविगेशन में जो भी है वो यहाँ पे लाना है, तो मुझे डेटाबेस से ये सारी चीजें फेच करनी है जो भी कैटेगरीज टेबल में है। अगर मैं कैटेगरीज वाला टेबल ओपन करता हूँ, तो ये कैटेगरीज टेबल है यहाँ पे, ये हमारा ईकॉम प्रोजेक्ट है, तो इसमें कैटेगरीज टेबल है, ठीक है। तो इस कैटेगरीज में ही ये सारे हैं, कैटेगरीज के जो नेम है वो मुझे चाहिए, ठीक है। ये नेम है ना ऊपर, नेम हेडिंग, दैट मीन्स जो नेम है क्लोथ्स एक्सेसरीज स्टेशनरी फुटवेयर होम किड्स, जो भी ये नेम है यहाँ पे कैटेगरीज के, वो मुझे यहाँ पे लाने हैं, वो मुझे इस ऐसे लाने हैं यहाँ पे। तो इसी के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले डॉलर SQL इज इक्वल टू सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज, कैटेगरीज सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज, बस सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज, फिर डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू डॉलर दिस डॉट कॉन डॉट क्वेरी डॉलर SQL इफ डॉलर रिजल्ट इज इक्वल डॉलर दिस डॉट कॉन डॉट क्वेरी डॉलर SQL इफ डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू, ठीक है। अगर वहां से हमें कोई चीज मिलती है, कोई रो मिलता है, तो यहां पे आएगा इफ डॉलर रिजल्ट डॉट फेच एस ऑफ, if dollar result dot fetch s of, sorry fetch s of dollar result dot num underscore rows not equal to zero, अगर वहां से कोई रो मिल जाता है, मतलब जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि क्वेरी अगर एग्जीक्यूट हो गई, हाँ ठीक है, अगर फिर कोई रो जीरो नहीं है, मतलब रो मिल जाता है, तो फिर while लूप लगेगा, मुझे फेच करना है while, तो यहाँ पे एक वेरिएबल डॉलर रो बनेगा, माई एस क्यू सॉरी
while dollar row is equal to dollar result dot fetch underscore ASSOC fetch SOC while dollar row is equal to dollar result dot fetch SOC. मैं ऊपर li नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा डॉलर li इज इक्वल टू इसमें ब्लैंक रखूंगा अभी तो यहाँ पे मैं इसी डॉलर li का यूज करूंगा डॉलर li डॉट इज इक्वल टू ठीक है या ये नहीं लिखूंगा मैं अभी आपको कंफ्यूजन हो गया इस तरह तो मुझे क्या करना है ये वाला काम जो है मतलब ये वाला काम ठीक है ये वाला काम जो है ये मुझे वहां पे होना चाहिए ठीक है इसके बदले में यहाँ पे फिलहाल ये भी काटूंगा क्योंकि मुझे लूप लगेगा अब आगे अब जो ये सारा कुछ है ये मैं यहां से कट कर दूंगा ठीक है और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इसको ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा मैं इसी के साथ कॉन्केटनेट इस डॉलर एल आई के साथ कॉन्केटनेट करूंगा इसको क्योंकि मुझे ये वाइल लूप के जरिए अब भेजना है जो मुझे यहाँ से मिलेगा वो मुझे अब यहाँ पे लाना है तो मैं इसी फंक्शन को कॉल करूंगा इसमें यहाँ पे मैं कॉल करूंगा और कॉल करके इको करूंगा यहीं पर जो भी मुझे वहां से फैच हो जाएगा वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे फैच करना है तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा डॉलर एल आई डॉट इक्वल टू इसको मैं गामा में लिखूंगा ठीक है इसी को मैं कॉपी करूंगा यहां से यहां पे पेस्ट करूंगा और इसको यहां से ऐसे टर्मिनेट करेंगे इसी तरह यहां पे भी पेस्ट करेंगे और यहां पे ये करेंगे इसी तरह यहां पे भी पेस्ट करेंगे और यहां पे बट ये चेंज हो जाएगा फिलहाल आप ऐसे याद रख लीजिए तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा ओके तो यहाँ पे इफ के बाद रिटर्न होगा सॉरी यहाँ पे रिटर्न होगा डॉलर एल आई ठीक है तो इस टाइम मैं क्या करता हूं अगर मुझे यहां से कोई रो मिल जाता है तो मैं एल आई में डालता हूं ये लेकिन यहां पे कैटेगरी नहीं डालना है मुझे मुझे यहां पे डेटाबेस से जो वैल्यू आएगा मतलब कैटेगरी का नाम जो है मतलब जो टेबल में मुझे ये डालना है मैंने लिखा था ऐसे ही कैटेगरी सपोज क्लोथ लिखा था मैंने तो मुझे ये चाहिए आप क्लोथ्स एक्सेसरीज कैटेगरी के बाद स्टेशनरी फुटवेयर तो इसका नाम जो है नेम है तो मैं नेम कॉलम को वहां पे रिफ्लेक्ट करूंगा देखिए कैसे तो मैं यहां पे लिखूंगा डॉलर रो नेम ठीक है जी बस हो गया डॉलर रो नेम तो कैटेगरी तो मैंने ऐसे ही लिखा था तो अब नेम में जो जो कैटेगरी होगी वो वाइल लूप के जरिए एक एक करके फेच हो जाएगा तो इसके बाद अब मसला इसका है इसका भी देख लेते हैं पहले मैं इस नेम को ठीक करता हूँ इसको यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि ये वाला पार्ट HTML वाला पार्ट है फिर इसको यहाँ पे कॉन्केटनेट हो जाएगा यहाँ पे फिर से कॉन्केटनेट हो जाएगा फिर ऐसे हो जाएगा ठीक है जी तो चलते हैं आगे सेम यहाँ पे भी सेम ऐसे ही हो जाएगा HREF is equal to ये concatenate हो जाएगा यहाँ से सब कैटेगरी के बदले कुछ और मुझे यहाँ फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ अब मैं इसको रन सेव करता हूँ लेकिन ये अभी रन नहीं होगा ये एरर शो करेगा मैं बताता हूँ क्यों देखिए इसने एरर शो किया ओके ठीक है तो ये एरर क्यों शो किया इसने इसलिए एरर शो किया क्योंकि सबसे पहले चीज हमें यहाँ पे PHP को स्टार्ट करना था ओके PHP स्टार्ट हो गया ये भी हो गया अब फिर से एरर शो करे सॉरी
सॉरी पीएचपी तो ऑलरेडी स्टार्टेड था लेकिन ये गलत लिखा था हमने, सेव। हाँ अब ठीक है, लेकिन ये अभी भी नहीं चलेगा, अभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा यहाँ पे। क्यों नहीं करेगा रिफ्लेक्ट? क्योंकि हमने इसको अभी कॉल ही नहीं किया, हमें इसको यहाँ पे कॉल करना है, लेकिन कॉल करने के टाइम भी ये एरर शो करेगा हमें यहाँ पे। क्यों एरर शो करेगा? क्योंकि हमने अभी इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। किसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया? हमें ये वाली फंक्शन कॉल करनी है, बट इस फंक्शन को कॉल करने से पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है कहीं पे भी। तो मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिफरेंट तरीके से बनाता हूँ, ठीक है। एक तरीका ये है कि सिंपल तरीका ये है कि मैं यहाँ पे ही ऑब्जेक्ट बना लूँ, पीएचपी एम्बेड करूँ, मैं यहाँ पे इस तरह करूँ पीएचपी, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लूंगा, ठीक है। सपोज मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे डॉलर एच टी इज इक्वल टू न्यू साइट कंट्रोलर, न्यू साइट कंट्रोलर, ठीक है। मैंने इसका ऑब्जेक्ट ऐसे बना लिया, लेकिन ये मैं ऐसे नहीं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, तो अब मैं इसी एच टी के जरिए इको करता हूँ, ई सी एच ओ इको डॉलर एच टी डॉट गेट नेविगेशन, गेट नेविगेशन, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली फंक्शन को जो भी यहाँ से रिटर्न होगा, यहाँ से क्या रिटर्न होता है, जो जो एल आई सपोज एक एक रो जो होता है वो एल आई के साथ कंकैटिनेट होके रिटर्न एल आई हो जाता है यहाँ पे, तो रिटर्न एल आई होगा। तो यही रिटर्न जब होगा यहाँ पे, रिटर्न एल आई होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये यहाँ पे कॉल करते ये रिटर्न यहाँ पे पहुँचेगा एल आई में जो भी होगा, तो उसको इको करेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो ये आ गया क्लोथ्स एक्सेसरीज स्टेशनरी फुटवेयर होम किड्स सारा आ गया। बट मैं इसको डिफरेंट तरीके से कॉल करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये चीज़ ये वाला पार्ट है ये मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, मैं इसको कट करूँगा यहाँ से, मैं इसको ओपन करूँगा फंक्शंस कैटलॉग में, फंक्शंस डॉट एपीएल। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा एक फंक्शन, फंक्शन गेट साइट, गेट साइट कंट्रोलर। तो यहाँ पे इसके अंदर मैं लिखूंगा रिटर्न, ठीक है। अब ये एच टी की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली रिटर्न कर रहा हूँ इसको न्यू साइट कंट्रोलर को, रिटर्न जहां से भी ये कॉल होगा रिटर्न न्यू साइट कंट्रोलर। दैट मीन मुझे अब इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, फंक्शन तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है कॉन्फिग में, मुझे इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। जब ये कॉन्फिग में यहाँ पे इंक्लूडेड है तभी जाके ये साइट कंट्रोलर में भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि साइट कंट्रोलर खुद इस टाइम कॉन्फिग पेज में ही है। तो मुझे अब यहाँ पे जाना है, यहाँ पे भी ये इंक्लूडेड है HTML essentials में, क्योंकि ये सारी फाइलें कॉन्फिग में इंक्लूडेड है। तो मुझे अब यहाँ पे गेट साइट कंट्रोलर को कॉल करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इको गेट साइट कंट्रोलर डॉट गेट नेविगेशन, गेट नेविगेशन। अब ये चीज की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस हो गया, इस तरह भी काम करेगा, हो गया, ठीक है। अब ये सही काम कर, अब मुझे इसमें सब कैटेगरीज लानी है, तो मुझे क्लोथ्स की सब कैटेगरी लानी है, तो मुझे क्लोथ्स की आईडी पास करनी पड़ेगी। तो क्लोथ्स की आईडी पे जो जो सब कैटेगरी, इसी तरह एक्सेसरीज की आईडी, स्टेशनरी की आईडी, सॉरी, तो मैं यहाँ पे इसकी आईडी पास करूंगा, ये है ना नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ये आईडी जो मैंने डॉलर आईडी रखी है, तो इसमें जो यहाँ से जिस सपोज ये नेम है, इस टाइम में क्लोथ ला रहा है, तो इस नेम के टाइम जो इसकी आईडी होगी वो मैं पास करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मुझे ये नहीं लिखना है, यहाँ पे मैं पहले कॉन्केटनेट करूंगा, मैं लिखूंगा डॉलर दिस डॉट
गेट सब नेविगेशन। गेट सब नेविगेशन और आईडी, इसके इस आईडी पैरामीटर जो इसको पास करना है वो क्या मुझे पास करना है, जो मुझे जिस तरह ये नेम रो है इसी तरह इस रो की आईडी जो है, मैं इसी को कॉपी करूंगा तो इस रो की आईडी जो है वो मैं पास करूंगा, तो यहाँ पे आईडी आ जाएगा। आई विल सेव दिस। ये देख सकते हैं आप, अभी ये काम नहीं कर रहा है, कुछ एरर है। दिस डॉट गेट नेविगेशन देख लेता हूँ अभी, तो डेफिनेटली ये कैसे काम करेगा। अभी तो हमने इसमें कुछ फंक्शनलिटी ऐड ही नहीं की, ठीक है, हमने कुछ फंक्शनलिटी भी ऐड ही नहीं की इसमें, हमने तो यहाँ पे कॉल कर दिया इसको, ठीक है, गेट सब नेविगेशन, तो ये आईडी, तो आईडी भी पास की। अब ये फंक्शन जो है वो कॉल हो रही है यहाँ पे नीचे, ठीक है, तो ये कॉल हो रही है। अब हमें इसके अंदर कोड लिखना है, तो मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सब कैटेगरीज, वेयर जो मेरी फॉरेन की है वहां पे सब कैटेगरीज टेबल, तो यहाँ पे मेरी फॉरेन की क्या है, कैटेगरी आईडी, ये फिर कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू दिस, तो मुझे यहाँ पे लिखना है वेयर कैटेगरी आईडी, where category id is equal to dollar id, where category id is equal to dollar id, sorry ये अंदर लिखना होता है, कैटेगरी आईडी इज इक्वल डॉलर आईडी, तो बाकी तो ऐसे ही जाएगा, सिलेक्ट दिस फ्रॉम कैटेगरी आईडी, तो यहाँ पे ये चीजें ऐसी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चीज करना है हमें, अब यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे रिमूव करना है, ठीक है, और जो यहाँ पे मैंने सारा लिखा है इसको मैं कॉपी करूंगा, तो यहाँ पे ये चीज नहीं आ जाएगा, यहाँ पे आएगा डॉलर रो। अब ये नेम जो है ये सब कैटेगरी का नेम है, तो मुझे अब सब कैटेगरी का नेम ही चाहिए, डॉलर रो नेम, तो यहाँ पे डॉट आएगा यहाँ पे भी, तो व्हाट आई वांट टू डू नाउ, यहाँ पे मुझे ये चीज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे मुझे खाली कॉल करना है, मैंने कॉल किया, कॉल हो गया, कॉल किया मैंने इसको, देखिए यहाँ पे कॉल हो गया, देखिए यहाँ पे सिंपली कॉल हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं सेव कर लेता हूँ उसको, देखते हैं, सिंटैक्स एरर नियर लाइन नंबर 20 कंट्रोलर, साइड कंट्रोलर में लाइन नंबर 20, लाइन नंबर 20 यहाँ पे सिंटैक्स एरर है कुछ, ये कॉमा एक्स्ट्रा आया है,
अब देखिए क्लोथ्स में बॉयज गर्ल्स मैन वुमेन, एक्सेसरीज में बॉयज गर्ल्स मैन वुमेन, स्टेशनरी में कुछ नहीं हमने रखा है, फुटवेयर में बॉयज और गर्ल्स रखा है, होम में किचन किड्स, ये सारा आ गया। इस चीज़ को मैं अब रिमूव करना चाहता हूँ। तो फिलहाल इस ट्यूटोरियल में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हमने डेटाबेस से सारे कैटेगरीज और सब कैटेगरीज जो है वो फैच की इस ट्यूटोरियल में। तो ये बहुत है इस ट्यूटोरियल में, हम मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू।